उधर विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा की अगुवाई कर रहे कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैदानी ने खुद को अलग कर रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यात्रा के साथ पिथौरागढ़ पहुंचने नैदानी का कहना है कि उन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह आधारहीन है। नैदानी ने कहा कि वो इस यात्रा के जरिए प्रदेश भर के विकास कार्यों का जायजा तो ले ही रहे हैं, साथ ही प्रत्येक जनपद में शिक्षा और पेयजल की विभागीय समीक्षा भी कर रहे हैं। नैदानी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाने वालों की छोटी सोच है, जिन्हें भगवान विश्वनाथ ही सही रास्ते पर ला सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की टीम में मुख्य प्रवक्ता के तौर पर मथुरा दत्त जोशी की नियुक्ति की गई है, जिसकी जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने दी है। ज्योत सिंह बिष्ट की माने तो मथुरा दत्त जोशी लंबे समय से प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिसको देखते हुए उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दून दौरे के मद्देनजर फुल प्रूफ तैयारियां कर ली गई हैं। राजधानी दून की पुलिस लाइन में ब्रीफिंग हुई, जिसमें प्रदेश भर से आए पुलिसकर्मी अधिकारी और दूसरे विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर 13 सीओ, 15 इंस्पेक्टर, 74 सब इंस्पेक्टर, 6 एएसआई, करीब 530 कांस्टेबल और 5 कंपनी पीएसए तैनात की जा रही है। पुलिस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। जौलीगांव जीत से राजभवन विधानसभा में आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगी है, तो फ्लीट के लिए 120 से अधिक कारों की व्यवस्था की गई है। 18 मई को राष्ट्रपति के दौरे के दौरान अजय भट्ट विधानसभा में सरकार द्वारा विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों की समीक्षा न करने का मुद्दा उठाएंगे। अजय भट्ट ने अनुसार राष्ट्रपति के सामने हालांकि ये मुद्दा छोटा है, लेकिन प्रदेश के विकास और खासतौर पर विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों के लिए विकास के लिए मुद्दा काफी बड़ा है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने अभी अपने सदस्यता अभियान को तेजी शुरू कर दी है, जिसमें सदस्यता अभियान का समय 1 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रभारियों की नियुक्ति पर सभी के सदस्य जोड़ों के अभियान समीक्षा करने की बात की है, साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत और खुद प्रदेश अध्यक्ष जिला स्तर पर सदस्यता अभियान शिविरों का आयोजन करेंगे। 660 मेगावाट की किसाऊ जल विद्युत परियोजना को लेकर राज्य सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव शामिल हुए, जिनके पास दोनों प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और ऊर्जा अधिकारियों ने भी बैठक में शिरकत की है। किसाऊ जल विद्युत परियोजना हिमाचल और उत्तराखंड प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित टोंस नदी में प्रस्तावित और देश की बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। केंद्र इस परियोजना में 90% खर्च कर रहा है, दोनों ही राज्यों को 10% खर्च उठाना होगा। इसके अलावा तमाम अन्य बिंदुओं पर भी बैठक में आम सहमति बनती नजर आई। वहीं अब इन दोनों ही राज्यों के कैबिनेट में एमओयू को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किसाऊ परियोजना उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको लेकर दोनों राज्यों में जो भी असहमतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव पी मित्रा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर किसाऊ परियोजना पर चर्चा की। शनिवार को पूरे दिन विधानसभा में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा, जहां पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे, तो वहीं उनके बाद कार्यमंत्रणा की बैठक भी आहूत की गई। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता और विपक्ष के लोगों से सहयोग मांगा। हरिद्वार में नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। ऐसे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में साफ कहा है कि इस मामले में मैंने हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को निर्देश दे दिए हैं कि मामले की जांच करें, जिस तरह से संदेह नेता प्रतिपक्ष जता रहे हैं उसी हिसाब से जांच की जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। एलबीएस अकादमी में फर्जी महिला आईएएस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय से रूबी चौधरी को जमानत मिल गई है। रूबी चौधरी को पुलिस ने 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दरअसल ये बहस दौरान सरकारी पक्ष जमानत के विरोध में ठोस तर्क नहीं रख सके, जबकि बचाव पक्ष पूरी तरह से तैयार अदालत तक नहीं पहुंचा था। काशीपुर शहर में समाचार प्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। उप जिलाधिकारियों ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं, साथ ही उन मकान मालिकों को भी नोटिस जारी करने की बात कही जिन्होंने प्रशासन से बिना परमिशन लिए अपने घरों की छतों पर टावर लगाए हैं। दरअसल पिछले दिनों समाचार प्रेस ने काशीपुर में लगाए गए अवैध मोबाइल टावरों के खिलाफ खबर चलाई थी, जिसका असर देखने को मिला है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी अदीबा को गंगा में डूबे 7 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक अदीबा का कोई भी पता नहीं चल सका है। अदीबा को गंगा में तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रामनगर रेलवे की जमीन पर एक प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक के द्वारा कई बीघा जमीन पर अतिक्रमण करने के हत्याने का मामला सामने आया, जिसे हटाने पहुंचे रेलवे के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करते नजर आए। मामला रामनगर रेलवे स्टेशन के निकट मंडी समिति का है।
राजधानी में बस्तियों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के कामकाज को औचक रूप से जब जांचा जाएगा। राजधानी दून में संसदीय सचिव राजकुमार ने मलिन बस्तियों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का दिशा निर्देश दिया। हालांकि बैठक के में आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर भी संसदीय सचिव परेशान हो उठे। उधम सिंह नगर जिले में के खटीमा में लोक निर्माण विभाग में हो रहे गेस्ट हाउस के निर्माण में कई बार शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चल रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता पाई गई। टीरी बांध बनने से जहां देश को फायदा मिल रहा है, वहीं बांध की झील में से सटे ग्रामीण इलाकों को सिर्फ दुश्वारियां ही मिल रही हैं। हालात ये हैं कि ग्रामीणों के घर खतरे हैं। प्रभावित ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से मांग उठाई है। भगवान केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अब सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक खाना पहले से महंगा पड़ेगा। प्रशासन ने केदारनाथ पैदल यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम के लंगरों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने और नाश्ते की दरें बढ़ा दी हैं। नेपाल में आए भूकंप के बाद लगातार आ रहे आफ्टर शॉक से मसूरी के लोग भी खौफ में हैं, क्योंकि यहां 200 साल पुराने 600 भवन गिरासू भवनों की श्रेणी में आते हैं।